आसमानी बाप, हम इस मुल्क की बका सलामती दुनिया भर के तमाम मुकद्दसीन के साथ और आज चौगुनी तरक्की करे। मज़ीद वीडियो देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, INN न्यूज़ के साथ मैं हूं इजाज मुगल। जी नाज़रीन, आज 25 दिसंबर के हवाले से पूरी दुनिया में क्रिसमस का दिन बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इसी तरीके से पाकिस्तान में भी क्रिसमस का दिन बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इसी हवाले से मैं यहाँ पे एक फैमिली के साथ मौजूद हूँ जहाँ पर क्रिसमस का दिन बड़े जोशो खरोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। आइए अब उनसे बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने क्रिसमस के हवाले से क्या क्या तैयारियाँ की हुई हैं और क्या क्या इंतजाम किए हुए हैं। सबसे पहले तो मैं सारे मुल्क पाकिस्तान, पूरी आलमगीर कलीसिया को खुदावंद यीशु मसीह के जन्मदिन पर मुबारकबाद पेश करता हूं। और क्रिसमस बुनियादी तौर पर एक खुशियों का दिन है जिसमें हम अपने घरों को सजाते हैं, जिसमें सबसे जो बड़ी अहम चीज़ है वो खूबसूरत क्रिसमस ट्री है। और उसके बाद फिर हम तहाइफ एक दूसरे को देते हैं और फिर चर्चेस में इबादत होती हैं और फिर हम मुस्तकीम को, जो जितने भी मुस्तक लोग आए होते हैं, उनमें खुशियां बांटते हैं, क्योंकि बुनियादी तौर पर क्रिसमस का दिन देने का नाम है और खुदा ने दिया है और उसी के नाम से हम तमाम लोगों को ये खुशियों में शामिल करते हैं। जी पादरी साहब, ये बताइएगा कि आपने क्रिसमस के हवाले से यहाँ पे मज़ीद क्या क्या इंतजाम किए हुए हैं। जी खुदा का शुक्र है कि खुदा ने मेरे बच्चों को इतनी ताकत दी है, खुदा ने उनको कि वो लोगों को इस खुशियों में शामिल कर सकें। हमने तमाम लोगों के लिए खाने का भी इंतज़ाम किया हुआ है, केक काटा है और फिर इन तमाम खुशियों में लोगों को शामिल किया है। और ये तमाम खुशियां जो हैं वो खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देने के लिए हैं। और फिर सबसे बढ़कर ये बात है कि हम हमारे घरों में अपने मुल्क पाकिस्तान की सालमियत के लिए बहुत सारा दुआएं की जाती हैं ताकि खुदा हमारे मुल्क को सलामत रखे। जी नाज़रीन, ये थे एल्डर असलम परवेज़ साहब जिन्होंने क्रिसमस के हवाले से बताया कि इन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छे इंतजाम किए हुए हैं, यहाँ तक कि मुल्क पाकिस्तान के लिए, मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए यहाँ पर इन्होंने दुआ भी की है। अब हम मज़ीद बात करते हैं पादरी अदनान अयूब साहब से, आइए उनसे पूछते हैं कि उन्होंने मज़ीद क्या क्या इंतजाम किए हुए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि मेरी तरफ़ से और पूरी मसीही बरादरी की तरफ से पूरे पाकिस्तान को खुदावंद यीशु मसीह का जन्मदिन मुबारक। और दूसरी बात, हमारे लिए ये भी बड़ी खुशी की बात है कि आज इस मुल्क के जो कायद हैं, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनका भी जन्मदिन है। हम पूरी कौम को मुबारकबाद देना चाहते हैं अपने अजीम कायद मोहम्मद अली जिन्ना के बर्थडे के लिए और क्रिसमस के लिए। जी पादरी साहब, ये भी बताइएगा कि आप क्रिसमस के हवाले से पूरी पाकिस्तानी कौम को क्या मैसेज देना चाहेंगे। क्रिसमस बुनियादी तौर पे अमन और सलामती का पैगाम है और मैं पूरी दुनिया को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप कोशिश करें कि अपने ख़ानदानों में और जहाँ पर आप जिन सोसाइटीज़ में रहते हो वहाँ पर अमन पैदा करने की कोशिश करें। और जब आप अपने ख़ानदान में और अपनी सोसाइटीज़ में अमन को पैदा करेंगे तो मेरा ईमान है कि पूरे मुल्क में ये पैगाम जाएगा आपके ख़ानदान से और आपकी सोसाइटी से। और ये भी बताइएगा, मुस्लिम क्रिश्चियन कम्युनिटी की बेहतरी के लिए आप मज़ीद क्या क्या इंतज़ाम चाहते हैं। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि क्रिश्चियन कम्युनिटी की अगर बेहतरी, पहली बात तो एजुकेशन से आती है और ये सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए। मैं चाहता हूँ कि जितनी ज़्यादा हम एजुकेशन को आम करेंगे उतनी ज़्यादा बेहतरी आएगी और एजुकेशन एक ऐसा सोर्स है जिससे बेहतरी आ सकती है, दूसरा कोई सोर्स नहीं। जी शुक्रिया। जी नाज़रीन, ये थे पादरी अदनान अयूब साहब जिन्होंने काफ़ी अच्छा मैसेज दिया कि इसमें ना सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी बल्कि मुस्लिम कम्युनिटी बल्कि पूरे मुल्क में बेहतरी लाने के लिए हमें एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए और एजुकेशन के साथ ही हम पूरी दुनिया में हम आगे बढ़ सकते हैं। जी नाज़रीन, अब हम बात करते हैं मिसेज आयरस असलम साहिबा से और उनसे बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने क्रिसमस के हवाले से मज़ीद क्या क्या इंतजाम किए हुए हैं।
जी हमने सब लोगों का अपनी खुशियों में शरीक किया है और उनके लिए खाने का इंतज़ाम किया है, केक काटा है और उनके लिए तहाइफ दे रहे हैं और ये मेरे बच्चों की वजह से सब कुछ है, क्योंकि मेरे बच्चों को खुदा ने खुदा का शुक्र है कि बड़ी बरकत दी है और इसमें हम अपने भाइयों को बहनों को सबको शामिल कर रहे हैं अपनी खुशियों में। शुक्रिया जी। नाज़रीन ये थी मिसेज आयरस असलम साहिबा, उन्होंने काफ़ी अच्छा मैसेज दिया अवाम के लिए। इसी के साथ अपने मेज़बान इजाज़ मुग़ल को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।